हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं विदेशी। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2020 के बेस्ट ऐप्स। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ऐप की, जिसका नाम है पिक्सोट। इसमें दोस्तों आप एक सिंगल क्लिक में फोटो को एडिट कर सकते हैं। काफी इसमें बेहतरीन एडिट होती है फोटो। इसमें आप अपनी फोटो में स्पाइरल इफेक्ट भी लगा सकते हैं, तो आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे देख सकते हैं आप, ऐसे कुछ करके फोटो को एडिट कर सकते हैं। काफी मस्त फोटो यहाँ पर लगती है। और दोस्तों आप इसमें एक क्लिक में फोटो को बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, कहीं मर्जी, लंदन वंदन जहाँ ले जाना चाहें आप वहाँ ले जा सकते हैं, सिटीज रोड। और सबसे दोस्तों इसमें खास बात है, आप अगर आप कोई भी फोटो को सेव करते हैं तो इसमें कोई भी आपको वाटरमार्क नहीं मिलता है। जैसे मैंने अप्लाई कर दिया और सेव टू गैलरी सिंपल कर लीजिए, तो ये आपकी फोटो गैलरी में सेव हो चुकी है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐप की, जिसका नाम है वॉलक्राफ्ट। ये दोस्तों इस टाइम पे बेस्ट वॉलपेपर एप्लीकेशन है मानी जाए तो। इसमें आपको सारे के सारे 4K रेजोल्यूशन में वॉलपेपर मिलते हैं। इसमें लाइव आपको 3D पैरलेक्स वॉलपेपर भी मिलते हैं। दोस्तों देख सकते हैं काफी मस्त यहाँ पर लगता है। और साथ ही दोस्तों हम इसको आपको 3D पैरलेक्स वॉलपेपर आपको इसमें दिखा देते हैं। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है रॉकी कीबोर्ड। अगर आप अपने सिंपल जी कीबोर्ड से परेशान हो चुके हैं या बोर हो चुके हैं तो इस कीबोर्ड को जरूर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार है कुछ आपको, अगर आप इसमें चांद तारे लगाने हैं जोर लगाना लगाइए। और ये एकदम मस्त कीबोर्ड आपको लगता है, देख सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों साथ ही साथ वॉलपेपर भी मिलते हैं, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे आपको कीबोर्ड मिलते हैं, 3D इफेक्ट वाले, हर चीज वाले कीबोर्ड यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो इस ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐप की, अगर आप Gaana.com से परेशान हो चुके हैं या Spotify सुन सुन के बोर हो चुके हैं तो इस ऐप को जरूर से ट्राई कीजिएगा, जिसका नाम है रेजो। इसमें आपको दोस्तों एकदम मस्त इंटरफेस आप यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों अपने गाने के लिरिक्स भी साथ ही मिलती है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं इसका काफ़ी मस्त इंटरफेस इसका है, इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें लिरिक्स और इसकी लाइब्रेरी डेली अपडेट होती रहती है दोस्तों, तो इसमें काफ़ी मस्त मस्त गाने आपको सुनने को मिलते हैं, तो इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है इन शॉर्ट्स। मान लीजिए दोस्तों आप पबजी खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने इसमें सिंपल ऊपर नोटिफिकेशन में आपको न्यूज़ मिल जाती है। और अगर आप इस ऐप में आते हैं तो आपको सिर्फ हेडलाइन पढ़नी है और आपको पूरी न्यूज़ की समरी मिल जाती है। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार, बस आपको स्वाइप पढ़ते रहना है और न्यूज़ देखते रहना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट ऐप की, जिसका नाम है चार्जिंग सायरन। इसका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है जैसे कि आप देख ही सकते हैं, और जैसे कि नाम से पता लग रहा है चार्जिंग सायरन, तो इसमें आप अलार्म सेट कर सकते हैं कितने परसेंट पे आपने अपनी बैटरी करनी है। जैसे कितनी परसेंट बैटरी आपकी होगी तो उसी प्रकार से अलार्म बज जाएगा। बात करते दोस्तों हम अपने आखिरी एप्लीकेशन का, जिसका नाम है इमेज सर्च। इसमें दोस्तों आप अपने वर्ल्ड की या पूरे देश की किसी भी जो इमेज गूगल पे है, जो बंदा गूगल पे है उसकी इमेज यहाँ पर आपको मिल जाती है। जैसे कि हम सर्च कर लेते हैं पोकेमोन, इसमें दोस्तों आप हर एक बंदे की इमेज भी आपको मिलती है। जैसे हम सर्च कर लेते हैं टेक्निकल गुरु जी, आप देख सकते हैं 4K में आप इमेज आपको मिलती है। तो अगर आप कोई भी इमेज लेना चाहते हैं, गूगल में आपको ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इस एप्लीकेशन को जरूर से ट्राई कीजिएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत तकलीफ होती है तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।